मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई डिम्पल प्रेजेंटेड अ टॉपिक ऑफ लर्निंग फ्रॉम साइकोलॉजी। फर्स्टली वी विल ग्रो थ्रू द डेफिनेशन। इट इज़ द अक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट डेफिनेशन हेनरी पी स्मिथ के अकॉर्डिंग है, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्रो के अकॉर्डिंग है, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट डेफिनेशन रॉड प्लॉन्टिंग के अकॉर्डिंग है, लर्निंग इज़ द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस। इन सभी डेफिनेशन में लर्निंग को बताया गया है कि लर्निंग जो होती है वो आपके नॉलेज से एक्वायर की जाती है। हम कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं वो सभी हमको नॉलेज देती है, या नॉलेज से ही हम चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद में हेनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है, जितनी भी चीज़ों को हम सीखते हैं वो हमें हमारा बिहेवियर बनाने में हेल्प करती है, और हमारा जो भी ओल्ड बिहेवियर, जैसा भी हम बिहेवियर करते थे, उसको हमें और ज़्यादा मजबूती देने में मदद करती है हमारे एक्सपीरियंसेस की मदद से। इसके बाद में क्रो के अकॉर्डिंग लर्निंग जो होती है वो हमारी नई आदतें बनाने में, नॉलेज को बढ़ाने में, और हमारे ओपिनियंस या हमारे एटीट्यूड को बनाने में हमारी मदद करनी है। लर्निंग जो होती है वो कभी भी एक एज पे आके डिसाइड नहीं होती। लर्निंग जो होती है वो ओवरऑल जब तक हम जीते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक जो होती है वो चलती ही रहती है। तो जितनी भी चीज़ें हम सीखते जाते हैं हर दिन, हर एज ग्रुप के अंदर सीखते जाते हैं, तो वो हमारी आदतों को बनाती है, हमारे नॉलेज को, हमारे इंटेलिजेंट पावर को इंक्लूड करती है और इम्प्रूव करती है, और हमारे को नया तरीका देती है अलग अलग तरीके से बातों को सोचने के लिए और समझने के लिए। रॉड प्लॉटिक जो होते हैं ये बताते हैं कि जितनी भी चीज़ों को हम सीखते हैं, जो भी हम नए नए एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें को हम सीखते हैं, वो हमेशा ही हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर के आती है। ज़रूर नहीं कि वो चेंज पॉजिटिव ही हो, कभी कभी वो बातें नेगेटिव भी होती है, बट हमेशा हमारे अंदर वो चेंजेस को लेकर आती है। तो बेसिकली जो लर्निंग होता है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक कैरेक्टर है इंडिविजुअल के लिए। हमको अपने सर्वाइवल के लिए बर्थ से लेकर के जब तक हमारी डेथ ना हो जाए, हर एज ग्रुप में आकर के हमको कोई ना कोई बात को सीखना होता है और हमारे को सर्वाइवल करना होता है। नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं कि लर्निंग किन किन बातों पे टिकी होती है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, किसी भी एक एक्सपीरियंस का एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोसेस का मीनिंग होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जैसे कि आज हम आराम से चल फिर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्राउलिंग करना सीखा, घुटनों पर बैठना सीखा, उसके बाद में किसी चीज़ के सहारे हमने खड़े होना सीखा, उसके बाद में हमने चलना सीखा, और आज जाकर के हम जो है वो अच्छी तरीके से चल पाते हैं। तो हमने ये बातें जो हमने रनिंग करना है, जो ये चीज़ को सीखा है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में बंध के सीखा है। इसके बाद में है, इट इन्वॉल्व ऑल द एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो होती है वो हमारे सारे एक्सपीरियंस को जो है वो इन्वॉल्व करती है, जो भी हम बर्थ से लेकर डेथ तक सीखते हैं, और ये जो भी एक्सपीरियंस हम सीखते हैं वो सभी हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आती है। नेक्स्ट है, लर्निंग मेक्स चेंज इन बिहेवियर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जितनी भी चीज़ों को हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। कि यदि आप प्रेयर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको धर्म से रिलेटेड बातें सिखाते हैं, हमारे भगवान से जुड़ना सिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद में किसी की हेल्प करना सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। वहीं अगर आप किसी भी टाइप के टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो वो ये सिखाते हैं कि लोगों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके, कितना से कितना उनका नुकसान किया जा सके, कितना उनको हार्म किया जा सके,
किस तरीके से उनके फीलिंग्स के साथ में आपको खेलना है, तो ये सारी बातें जो है वो हमको नेगेटिव वे के अंदर लेके जाती है। तो हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो हमारे लर्निंग पे ही डिपेंड करती है कि हमको पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एडजस्टमेंट एंड अडाप्टेशन। लर्निंग जो है वो हमेशा एक इंडिविजुअल को सिखाती है हर सिचुएशन और हर एक्सपीरियंस के लिए आपको एडजस्ट करना सिखाती है और अडप्ट करना सिखाती है। जैसे कि अगर आप रीसेंट एग्जांपल ले लॉकडाउन का या कोरोना का, कि अभी आपके पास में एक वायरोजेनिक डिजीज़ है जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड को घेर रखा है, तो उसके पहले तक हम नॉर्मल लाइफ जीते थे, हम सभी एक दूसरे के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं, सभी लोग साथ में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन हुआ या जैसे ही ये डिज़ीज़ आई है, उसके साथ साथ में हमने हमारे हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब हम मास्क वेयर करते हैं, पीपीई किट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बार बार में हैंड वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी ने आपको क्या सिखाया है, एडजस्ट होना सिखाया है, अडॉप्ट करना सिखाया है। तो ये सभी बातें हमको लर्निंग ही सिखाती है। इसके बाद में है आपका, और लर्निंग इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, कि जितनी भी बातें आप सीखते हो ज़िंदगी में वो सभी आपके लिए पर्पसफुल होनी चाहिए और गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। यानी कि जितनी भी बातें आप सीखते हो उन सभी का पर्टिकुलर कोई ना कोई गोल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि ये काम आप जो भी कर रहे हो या जो भी आप सीखने वाले हो वो क्यों कर रहे हो, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ लर्निंग इज़ टू वाइड। जो लर्निंग का स्कोप है, जो लर्निंग होती है, प्रोसेस है, वो किसी एक फील्ड पे आकर टिकती नहीं है, वो बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। जैसे कि आपका, इसके अंदर हमने तीन एस्पेक्ट पढ़े थे लास्ट वीडियो में भी, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, यानी इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करती हुई होती है। उसके बाद में है, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल एंड इज़ कंटिन्यूस। लर्निंग जब तक ये दुनिया रहेगी या जब तक हम लोग रहेंगे और हमारे सर्वाइवल के लिए लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस बनी रहेगी और यूनिवर्सल रहती है, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक हमको हर एज ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा अपने सर्वाइवल के लिए। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड दोज चेंजेस दैट अकर एज अ पार्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड ड्रग्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे सीखने के अंदर अफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर हमने इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, दूसरा है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, तीसरा है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू मेथड ऑफ लर्निंग। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले लर्नर्स से रिलेटेड हमको फैक्टर्स देखने होंगे, उसके बाद में हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने होंगे, और उसके बाद में हमारे जिस भी मेथड से हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें फैक्टर्स देखने होंगे। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, यानी जो भी सीखने वाला है सबसे पहले हमने उसका देखा एज, यानी कि वो किस एज ग्रुप का है, ठीक है, अगर वो बच्चा है या फिर वो अडोलिसेंट है या फिर वो अडल्ट ग्रुप का है या फिर वो ओल्ड एज का है। तो हर किसी की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, तो हर एज के हिसाब से हम उसको वही बातें सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। इसके बाद में आपका मोटिवेशन और आपका इंटेलिजेंस, यानी कि जिस भी चीज़ को आपको सीखना है, जिस भी चीज़ को आपको समझना है, उसके लिए आपके पास में कितना मोटिवेट हो, यानी कि कितने ज़्यादा आप उसको कंडीशनली चाहते हो या उस चीज़ को फुलफ़िल करना आपको चाहते हो, आपके अंदर मोटिव कितना है, कितना उस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हो। उसके बाद में आपका आता है एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस, यानी कि आपके अंदर आईक्यू लेवल कितना है, कितना आप उसके लिए इंटेलिजेंट हो, कैपेबल हो उस चीज़ को सीखने के लिए या समझने के लिए। यानी कि जैसे कि अभी हम आपको बैठ करके सिखा रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल या हर स्टूडेंट का इंटेलिजेंट लेवल जो होता है या आईक्यू लेवल जो होता है वो एक जैसा नहीं है। तो हर किसी के जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो स्लो और रैपिड हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू लेवल।
उसके बाद में आपका आता है एप्टीट्यूड, यानी कि हर किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी भी बात को सीखने के लिए या समझने के लिए एक स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मैच्योरेशन, यानी कि आप कितने मैच्योर हो चुके हो किसी भी बात को समझने के लिए। यानी कि अगर आप एक छोटे बच्चे को अगर इंजीनियरिंग के बातें समझाएंगे 5-6 साल के बच्चे को, तो शायद वो ना समझ पाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फिज़िकल कंडीशन ऑफ लर्नर, यानी कि अगर जो भी सीखने वाला है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कि अगर उसको किसी भी टाइप का सेंसरी डिफेक्ट है या सुनने समझने में उसको दिक्कत है, आंखें उसकी ख़राब हो रखी है, या फिर अगर उसको फीवर आ रखा है, किसी भी टाइप से उसको पेन हो रखा है, तो इन सब कंडीशन के अंदर अगर आप किसी को कोई भी चीज़ सिखाने या समझाने बैठोगे तो वो चीज़ वो नहीं सीख और समझ पाएगा। नेक्स्ट है आपका लर्नर्स की मेंटल हेल्थ, यानी कि अगर किसी भी टाइप से उसकी मेंटल हेल्थ में किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उसको किसी भी टाइप का डर है, टेंशन है, एन्जाइटी है, यानी कि और उसके अलावा उसको अगर अपना मोरल उसको डाउन लगता है कि मैं ये चीज़ें सीख नहीं सकता या समझ नहीं सकता है, तो वहाँ पे जो लर्नर्स है वो कभी भी उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा है इमोशंस ऑफ लर्नर, यानी जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बैठता है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी टेंशन, फियर या एन्जाइटी नहीं होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली फुल्ली कंसंट्रेटेड होना चाहिए उस लर्निंग मेथड को सीखने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं हम आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है कि अगर जब भी आप किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बैठते हैं तो आपके पास में एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर हम अभी आपको सिखाने के लिए बैठ रहे हैं तो आपके पास में क्लासरूम, चेयर्स, ठीक है, पीसफुल एनवायरनमेंट, ये सभी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास में ये अवेलेबल होता है तो आपकी लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो और अच्छी हो जाती है। इसके बाद में क्वालिटी ऑफ टीचिंग, हम किस मेथड से आपको सिखा रहे हैं, किस तरीके से हम आपको सिखाते हैं, वो सभी बातें भी ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल सपोर्ट, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं बट हमारे पास में सोशली सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी जो होती है वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है सीखने के लिए, तो भी हमारे अंदर एक हीन भावना रहती है कि हमको ये चीज़ सीखनी है या नहीं सीखनी है। इसके अलावा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपको कोई चीज़ को सीखना है, जैसे कि अगर आपने एग्जांपल ले लिया कि आपको गिटार सीखना है तो आपके पास में पहले गिटार होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नोवेल वगैरह पढ़ना है या उसके बारे में और नॉलेज गेन करनी है या देश के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपके पास में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, कंप्लीट उसके पास में रिसर्च होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी ऐसे कौन कौन से लर्निंग मेथड्स है जो लर्निंग की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, इसके बाद में लेंथ ऑफ वर्किंग पीरियड, रिपीटेशन और लर्निंग मेथड्स। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी चीज़ें आपको सीखनी है या समझनी है उससे रिलेटेड आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशनल नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में जितने भी टाइम आप काम करते हो या जितने भी टाइम आप पढ़ते हो या समझते हो उसका एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वो होता है तो आपके लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो अफेक्ट होने लग जाती है। उसके बाद में कि किसी भी चीज़ को आपने कितनी बार सीखा है तो वो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपने कितनी बार उस चीज़ को रिपीट किया है, जितनी बार आप उसके उस मेथड को लर्न करते हो, रिपीट करते हो, उतनी ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद रहती है। उसके बाद में लर्निंग मेथड्स, लर्निंग मेथड का मतलब है कि आपको किस तरीके से सिखाया जाता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अभी सिर्फ स्लाइड ही दे दी जाती तो आप शायद उस चीज़ को उतना नहीं सीखते हैं, यहाँ पे आपको इस स्लाइड के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, तब जा कर के आप यहाँ पे उस चीज़ को और इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं। पहला टाइप है आपका वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जो होता है वो आपकी हेल्प करता है वर्बल बिहेवियर को एक्सप्रेस करने में, यानी कि किस तरीके से हमको कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमको
साइन दिखाने हैं, किस तरीके से पिक्चर्स को समझना है, उनके बारे में बोलना है, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर, ये सब आपके वर्बल लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब है कि जब आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपना मोटर कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, वो आपके आते हैं आपकी मोटर लर्निंग में। जैसे कि आप कार ड्राइव करते हैं या प्लेन ड्राइव करते हैं या किसी भी तरीके से कोई ड्राइंग कर रहे हैं या किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे आपके हाथ पैरों का मूवमेंट, आपका आपका किस तरीके से रहता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, तो वो सब आपके मोटर लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक तरीके से एक मेंटल इमेज होती है, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचिए, एक मेंटल इमेज होती है किसी भी थिंग के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में और किसी भी इवेंट के बारे में। जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि आपको मैंने बोल दिया कि कार, तो कार बोलते ही आपके पास में एक मेंटल इमेज आपके पास में सेट है कि उसके पास में फोर व्हील होंगे, उसके पास में एक स्टेयरिंग होगा, ठीक है, गियर्स होते हैं जिसमें, ठीक है, पेट्रोल या डीजल पे जो चलती होती है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होता है वो आपकी हेल्प करता है आपके प्रीवियस नॉलेज को बढ़ाने में। यानी कि अगर मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बैठती हूँ, तो आपको पहले से ही उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है वो आप उसमें से, लर्नर्स में से निकालने के लिए या आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है वो यूटिलाइज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो हार्ड टाइप की लर्निंग है, यानी कि ऐसी टाइप की लर्निंग जिसके अंदर आप कम्प्लीटली सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है आपकी रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन और जनरलाइजेशन, यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको जहाँ आपको सोचना पड़े, समझना पड़े या आपको उसके बारे में इमेजिन करना पड़े और उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर किसी रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर अप्लाई करके देखना पड़े उस सॉल्यूशन में, तब जा कर के वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो। और उस जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसी से आप सीखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस तरीके से आपको सॉल्व होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप इजीली उस प्रॉब्लम से कम टाइम के अंदर आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट सीरियल लर्निंग। सीरियल का मीनिंग क्या होता है? जब भी आप कोई भी एक चीज़ को सीखते हैं तो आप पर्टिकुलर एक सीरीज़ के अंदर सीखते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कि आप आसानी से जो है वो किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, तो वो कब पढ़ सकते हैं? जब आपने अल्फ़ाबेट ABC करके आपने सीख रखे हो, आप इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो वो कब है? जब आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल को सीखा है, ठीक है, अब आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, वो तब है जब आपके पास में बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में आपने नाम पढ़े हो, सबसे पहले उनके बारे में, उनके PM के बारे में पढ़ा हो या उनके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा हो। तो सीरियल लर्निंग जो होती है वो हमको सिखाती है कि हमको कोई भी चीज़ जो भी हमको सीखते हैं वो हम एक सीरीज़ वाइज करके सीखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पेयर्ड एसोशिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोशिएट लर्निंग जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप की लर्निंग है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसको पेयर में डाल देते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल देखें, अगर हम गंगा का नाम लेते हैं तो हमने गंगा के नाम से हमको गंगा रिवर याद रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कृष्णापुर। कृष्णापुर अगर हम बोलते हैं तो हमको भगवान कृष्ण के नाम से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो पेयर्ड एसोशिएट लर्निंग हमको सिखाती है कि अगर हमको कोई भी चीज़ जो है अगर हम पेयर के अंदर सीखते हैं तो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लूम डोमेन ऑफ लर्निंग। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है वो आपके ब्लूम नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, और ये बताते हैं कि जो लर्निंग है वो आपके तीन एस्पेक्ट्स में चलती है, या लर्निंग जो होती है वो आपके तीन एरिया को कवर करती है। पहला है आपका अफेक्टिव, दूसरा आपका साइकोमोटर और तीसरा है आपका कॉग्निटिव लर्निंग। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हम चेस खेलते हैं तो सबसे पहले हमको उसके
रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। रूल्स के बारे में हम सीखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, किस तरीके से आपको इन चीज़ों को चलना है, सीखना है, ठीक है। तो ये जब जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं, वो रूल्स को सीखते टाइम पे हमें हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको थिंक करते हो आप उसके बारे में, आप अपना इंटेलिजेंस करते हो, ठीक है, रीज़न करते हो उसके ऊपर। तो ये सारी होती है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़। एक बार जब आपने इन सारे रूल्स को समझ लिया है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, उसके बाद में चेस बोर्ड पे किस तरीके से हमको हमारी एक्टिविटीज़ को शो करना है, यानी कि किस तरीके से हमको जो भी उसके अंदर घोड़े, हाथी, वज़ीर, राजा, इस तरीके से जो भी दिए होते हैं, उन सब प्लेयर्स को किस तरीके से चलना है, तो ये सब आपकी क्या दिखाती है, आपकी साइकोमोटर एबिलिटीज़। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, यानी जिनमें आपका मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। उसके बाद में है आपका कि किस तरीके से जब आप एक गेम के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप हारते हो या जीतते हो, तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो भी आपको अफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों एरिया जो होते हैं वो आपके लर्निंग के स्पेसिफिक एरिया है। उसके बाद में है आपका इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग की जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने फ्रेंड्स से सीखते हो, जैसे कि आप आपको किस तरीके से आपको मॉरल्स से डील करना है, ठीक है, और फ्रेंड्स से आप सीखते हो कि आपको किस तरीके से IPR इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से दोस्ती निभानी है। इसके बाद में फॉर्मल टाइप की लर्निंग जो होती है वो आपके स्कूल और टीचर से सीखते हो, यानी कि आपको एकेडमिक नॉलेज किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से आपको इनफॉर्मल बिहेवियर करना है, ठीक है, एजुकेशन किस तरीके से ली जाए। इसके बाद में नॉन इनफॉर्मल जो लर्निंग होती है वो आपके क्लब, वर्कशॉप और म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रुप से आप सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम सीखते हैं इसके अंदर थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो होता है वो आपके बेसिकली बहुत सारे टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है आपका लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय ट्रायल और एरर के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि जितनी भी चीज़ें आप सीखते हो या समझते हो वो आप बार बार ट्रायल और एरर के थ्रू सीखते हो, यानी कि आप जितनी बार चीज़ें करते जाते हो, जितनी बार चीज़ें आप ट्राई करते जाते हो, और उतनी उन चीज़ों को ट्राई करते टाइम पे जितनी बार आपके एरर आते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग इफ़ेक्ट बनती जाती है, यानी कि आप उतने ही ज़्यादा उस चीज़ को सीखते जाते हो कि इस टाइम को करने में ये प्रॉब्लम आई थी तो इस बार इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया जाए और अगली बार वो एरर ना आए। नेक्स्ट है आपका लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग बाय इनसाइट का मीनिंग है, जब भी एक इंडिविजुअल फुल्ली अपने बारे में अवेयर हो जाए, सेल्फ अवेयर हो जाए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, या क्या उसको करना है, क्या उसके मोटिव्स है, क्या उसकी ड्राइव्स है, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल फुल्ली अगर अवेयर होता है अपने बारे में, सेल्फ अवेयर है, सेल्फ एक्नॉलेज है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं इनसाइटेड पर्सन, ठीक है। इस थ्योरी जो है आपकी लर्निंग बाय इनसाइट जो थ्योरी है आपकी, वो आपके कॉलर ने दी थी, ठीक है। कॉलर्स ने ये बताया था कि आपको जितनी भी चीज़ें आप कई बार जो सीखते हो वो आपके सडन रिस्पॉन्सेस से आती है, यानी कि कई बार आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपके सामने वो आपको कई बार सडनली आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, सडनली आपको इंसाइट आता है, सडनली आपको उसका सॉल्यूशन ध्यान में आता है और आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया था। उन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपांजी को एक केज के अंदर बंद कर दिया और बाहर उसके जो है वो बनानास को जो है वो प्लेस किया, और उसके बाद में उसमें उसने उन्होंने कुछ बॉक्सेस डाल दिए और उसके बाद में उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि थोड़ी देर तक तो चिंपैंजी बैठा रहता है, ठीक है, उसके बाद में अचानक से उसको ध्यान आता है कि अगर इन बॉक्सेस को मैं एक के ऊपर एक अगर उसको सेटअप कर दूं तो हाँ, मैं उस बनाना की रीच में आसानी से आ सकता हूं। उन्होंने उसके बाद में जब भी ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने उसके साथ में, उस चिंपैंजी के साथ में दोबारा किया, तो उसने उस चीज़ को करने में कम समय लगाया और फटाफट से उसने उन बॉक्सेस को अरेंज किया और वो उन केलों तक या अपने फूड मोटिस तक वो आसानी से पहुंच गया।
तो ये जो थी वो लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये जो थ्योरी थी वो आपके एल्बर्ट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है कि यानी जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमको सीखना होता है तो सबसे पहले हमको उसको ऑब्जर्व करना होता है। हमको ट्रायल और एरर थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं, हमको ऑब्जर्व करके सीखना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो थ्योरी थी उसको उन्होंने 4 स्टेप्स के अंदर बताया कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ को सीखना होता है तो हम सबसे पहले किसी भी बिहेवियर के ऊपर कंटिन्यूसली अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में हम उस जो भी बिहेवियर हमने जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया है उसको हम कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, उसको रिमेम्बर करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं। उसके बाद में हम उसको एक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं या और ज़्यादा उसको मोरालिस्टिक में डालते हैं। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची है, वो टीवी पे कोई भी एक फूड रेसिपी देखती है, तो अगर उसका उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो उसे ध्यान से उसको देखती है और ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से इस रेसिपी को बनाया जा सकता है, तो अटेंशन पे करती है सबसे पहली प्रोसेस के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो उसको रिमेम्बर रखती है कि किस तरीके से उसने वो फूड प्रोसेस जो थी वो अप्लाई की थी। उसके बाद में वो किचन में जाती है और जो भी उसने बिहेवियर सीखा उसको वो अप्लाई करने की कोशिश करती है, एक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जो था वो है उसका मोटिवेट करना उस लर्निंग प्रोसेस को, यानी कि वो उस जो भी रेसिपी होती है उसको वो बना लेती है, और उसके बाद में उसके जो भी पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सभी उस फूड रेसिपी को खाते हैं और उसके बाद में उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, और बताते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो इसी बिहेवियर को और ज़्यादा अच्छे से कर पाए, यानी कि जो भी रेसिपी उसने बनाई है वो और ज़्यादा वो और अच्छी तरीके से वो बना पाए। ये वाली जो थ्योरी होती है वो आपको बताती है कि अगर आप कंटिन्यूसली एक चीज़ को सीखना चाहते हो तो आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर उसको प्रेजेस मिलती है, अगर उसको और मोटिवेशन मिलता है तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा सीख पाती है। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग का मतलब है कि हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमने दो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका B.F. स्किनर और दूसरा है आपका इवान पावलो। जो आपका इवान पावलो जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जितने भी हम चीज़ें सीखते हैं वो सभी हम पर्टिकुलर एक कंडीशन में रह करके सीखते हैं। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो एक भूखे कुत्ते पे किया, और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो एक इंडिविजुअल के डाइजेस्टिव बिहेवियर को रिफ्लेक्ट किया, कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि उन्होंने एक भूखा कुत्ता लिया और उसके सामने खाना रख दिया, तो जो खाना था वो उसके लिए एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई था, और जो उसका उस खाने को देखते ही उसका क्या हो गया, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। ये जो सलाइवेशन था वो उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, यानी कि उसका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। खाना जैसे ही देखा उसने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक बेल रखी और बेल रख करके और उसके बाद में उन्होंने बेल बजाई और उसके बाद में उसको खाना दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे जो बेल थी वो भी उसके लिए अनकंडीशनल जो उसके लिए स्टिमुलाई था और जो उसका रिस्पॉन्स था वो भी अनकंडीशनल था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेल बजाई और बेल के साथ में जैसे ही वो बेल बजाते थे वैसे ही वो फूड उसको ऑफर करते थे, तो बेल और जो फूड थी वो दोनों उसके लिए एक कंडीशनल स्टिमुलाई के अंदर बदलती गई। और जैसे ही बेल बजती थी और फूड आता था तो वो क्या हो गया, उसका सलाइवेशन शुरू हो जाता था, वो उसका एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि बेल बजाई और उसको फूड नहीं दिया, ठीक है, तो उन्होंने एक कंडीशनल रिस्पॉन्स दिया
और उसके साथ कंडीशनल स्टिमुलाई दिया, और उस कंडीशनल स्टिमुलाई के साथ में उन्होंने फूड नहीं दिया, पर फिर भी जो कुत्ता था उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, तो ये उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो उन्होंने समझाया कि जब भी किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई भी चीज़ को सिखाना होता है, कोई भी चीज़ सीखनी होती है, तो उसको एक पर्टिकुलर हम एक कंडीशन के अंदर डाल दें। अगर वो एक कंडीशन के अंदर या एक एनवायरनमेंट के अंदर उसको दिया जाता है तो आप उसको आसानी से चीज़ें सिखा सकते हो। दूसरी जो कंडीशनिंग थ्योरी थी वो आपके बीएफ स्कीनर ने दी थी। जो बीएफ स्कीनर थे उन्होंने किसी भी तरीके से कोई स्टिमुलाई या कोई भी रेस्पॉन्सेस नहीं दिए, उन्होंने एक एनवायरनमेंट सेट कर दिया और उन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली जो था वो कोई भी एक कंडीशन में नहीं डाला है, ठीक है। पर्टिकुलर उन्होंने एक एनवायरनमेंट सेट कर दिया और जो भी बिहेवियर आया उसको उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक जो भूखा चूहा था उसको एक केज के अंदर बंद किया और उसके वहाँ पे एक लीवर रखा गया, और उस लीवर को जैसे ही वो दबाता था तो वैसे ही वहाँ पे खाना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब कोई भी चीज़ें जो होती है वो हम जो सीखते हैं वो बेसिकली आपके प्रेजिंग और नॉट प्रेजिंग पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपको किसी भी रिस्पॉन्स को करवाना है किसी से, कि कोई भी रिस्पॉन्स आपको चाहिए, जैसे कि आप छोटे बच्चे जब होते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करके आते हैं तो अगर आप उनको प्रेज करते हो, टॉफ़ी देते हो, चॉकलेट देते हो, तो वो कंटिन्यूस उस बिहेव को करना जारी रखते हैं। और अगर वो ये अगर आप नहीं चाहते उनसे कि वो बिहेवियर वो ना करे तो वो आप उनको डांट सकते हो, आप उनका खाना छीन सकते हो। तो ये जो सारे बिहेवियर थे वो सारे आप सभी कर सकते हैं लर्निंग के मेथड को और इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को नहीं सिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से पहले हम समझ लेते हैं ह्यूमैनिस्टिक क्या होता है। ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिस्टिक क्या होता है, एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल दिखाता है कि वो ओवरऑल लाइफ के अंदर किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है, एक इंडिविजुअल की पर्टिकुलर क्या डिज़ायर्स होती है, क्या उसकी मोटिवेशन है, किस तरीके से वो बातों को सीखता है, समझता है, किस तरीके से वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी को या एक इंडिविजुअल को कम्प्लीटली डेवलप होने में मदद करी है। तो यहाँ पे हम एक जो साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट थे मैशलो, अब्राहम मैशलो, उनका एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने जो भी नीड्स थी इंडिविजुअल की उन्होंने उसको 5 नीड्स के अंदर बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर एक इंडिविजुअल को अपने आप को कम्प्लीटली डेवलप करना है या ग्रोथ करना है तो उसको सबसे पहले उसको अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी होगी। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है बेसिकली उसको अपना फूड, हंगर, ठीक है, उसके अलावा आपको जो ऑक्सीजन है, बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान की जो उसकी नीड होती है, फिजियोलॉजिकल जो नीड है, स्लीप, सेक्स, ये सारी नीड जो होती है वो उसको कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद में ये नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद में जो होता है वो आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी पे आप चलते हैं, ठीक है। एक बार एक इंडिविजुअल अपना बेसिकली फूड, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी कर लेता है उसके बाद में वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे चलता है कि वो जहाँ पे भी रह रहा है उसका एनवायरनमेंट या जिन भी लोगों के साथ में वो रहता है उसका वो एनवायरनमेंट जो होता है वो सेफली और सिक्योरिटी से भरा होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड वन हम पढ़ते हैं जो नीड होती है इंडिविजुअल की, वो होती है आपके लव और बिलोंगिंग की नीड। यानी कि जो भी इंडिविजुअल होता है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद में चाहता है कि जो भी उसके पेरेंट्स है या जो भी उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स है वो उसके लिए प्यार और अफेक्शन जो है वो शो करें और उससे अच्छे से रहे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो नीड होती है वो आपके सेल्फ सेफ्टी के बाद में आपके आती है आपकी सेल्फ एस्टीम की नीड। यानी कि एक बार इंडिविजुअल पूरी तरीके से अपने आप को सेफ, सिक्योर और लव्ड फील करता है तो उसके बाद में उसको सेल्फ़ एस्टीम यानी सेल्फ
अपने आप को फुलफिल करने की इच्छा उसमें जागृत हो जाती है, यानी कि जो भी उसकी नीड्स है वो पूरी हो, वो सोसाइटी में उसका एक नाम हो, उसका रिकॉग्निशन हो, लोग उसको जाने पहचाने, उसकी एक अलग पहचान हो। ठीक है, अगर ये सारी नीड्स जो है वो अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, डिप्रेस महसूस करता है या दूसरों पे डिपेंडेंट महसूस करता है, उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। लास्ट आपकी जो नीड आती है वो आपके सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की नीड। अगर उसने इन चारों नीड्स को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर लिया है तो अब उसको अपने आप को, अब वो अपने आप को अच्छी तरीके से जान चुका है, अब वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान चुका है, अब अपने कोई भी प्रॉब्लम जब भी वो फंस जाएगा तो वो अच्छी तरीके से जानता है कि उस तरीके से उसको किस तरीके से उसको डील करना है, अपना उसका एक खुद का रुतबा होगा, पहचान होगी। तो ये सारी नीड्स जो है वो आपके ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी रोजर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। रोजर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग जो थी वो रोजर्स नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं आपके। पहला है आपका जो आपकी लर्निंग होती है वो आपके दो बातों पे डिपेंड करती है, पहले आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे और दूसरा है आपके सिग्निफिकेंस पे, यानी कि जो भी चीज़ें आप सीखते हो वो आपके ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, क्या काम आने वाली है आपके। उसके बाद में नेक्स्ट हम ट्रायल और एरर थ्योरी को देख लेते हैं। ट्रायल और एरर थ्योरी जो थी वो एडवर्ड ली थ्रोनडाइक ने दी थी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो चिकन, रेड्स और कैट्स पे किए थे। जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उन्होंने ये बताया कि जितने भी आप जो भी आप सीखते हो वो आपके ट्रायल और एरर पे डिपेंड करता है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने एक भूखी जो कैट है उसको उन्होंने एक पज़ल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। वहाँ पे एक ही दरवाज़ा है और उस दरवाजे के बाहर जो है वो एक फ़िश रखी गई है और वहाँ पे दरवाजे के पास में एक लैच है जिसके थ्रू जो दरवाज़ा है वो ओपन हो जाएगा और वो वहाँ से बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी जो ड्राइव होती है वो उस फिश को पाना होती है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पे मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, कंटिन्यूसली स्क्रैम्बिंग करती है, कंटिन्यूसली बाइटिंग करती है ताकि कैसे भी करके वो दरवाज़ा ओपन हो जाए। तो वो रिपीटेड मूवमेंट कर रही है, तो कई बार मूवमेंट करने से एट द एंड जो होता है वो दरवाज़ा जो होता है वो जो लैच है वो ओपन हो जाता है और लैच के ओपन होने की वजह से वो दरवाज़ा ओपन हो गया है और वो उस फूड को जो है वो गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर वो चीज़ें दे सकते हैं कि किस तरीके से जो कैट है वो एक पज़ल बॉक्स के अंदर बंद है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो है ड्राइव, कि यहाँ पे जो कैट के लिए जो ड्राइव है, जो उसकी नीड है वो क्या है, उसके लिए वो मछली है, तो वो ड्राइव जो है वो उसको फुलफ़िल उसको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है उसका गोल। ठीक है, उस अगर उस कैट को वो ड्राइव को यानी हंगर ड्राइव को, उस फूड को अगर पाना है तो उसको कम्प्लीटली उसको उस दरवाज़े से बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो ये दरवाजे से बाहर निकलना उसका क्या हो गया, गोल है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ब्लॉक और बैरियर, जो बंद दरवाज़ा है या जो लैच है वो उसके लिए क्या है, उसके लिए उसका उसका ब्लॉक है या उसके बैरियर्स हैं, वही उसके अंदर आ रहे हैं उसके एरर्स हैं। उसके बाद में रैंडम मूवमेंट्स, रैंडम मूवमेंट्स यानी कि जब भी वो कोशिश कर रही है, स्क्रैम्बिंग कर रही है, क्राउलिंग कर रही है या बाइटिंग कर रही है, तो ये सारे उसके क्या है, रैंडम मूवमेंट्स हैं। उसके बाद में चांस सक्सेस, चांस सक्सेस यानी कि जिस टाइम पे वो डोर को ओपन करती है तो वो उसका वो चांस क्या हो गया, सक्सेस हो गया। उसके बाद में उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्शन, यानी कि वो कौन सा राइट मूवमेंट था जिसके थ्रू उसने क्या किया है, डोर को ओपन किया है या लैच को ओपन किया है, वो उसका सिलेक्शन हो गया, वो उसने सेलेक्ट कर लिया कि ये वो राइट वे है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि जिस रास्ते से या जिस तरीके से वो डोर ओपन हुआ था उसने उसी
तरीके को सीख लिया है अब कि किस तरीके से ये डोर ओपन होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लॉस भी दिए गए हैं कि लर्निंग के लॉस हमको बताते हैं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी रेडीनेस का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एग्जांपल दे रखा है बिल्ली का, अगर वो चाहती नहीं उस फिश को पाना तो वो कभी भी उस दरवाज़े से बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ को सीखना है तो आपको सबसे पहले उस बात के लिए रेडी होना होगा, ठीक है। और उस सब के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप मोटिवेटेड होने चाहिए। जैसे कि वो कैट मोटिवेटेड थी कि कैसे भी करके उसको वो फिश जो है वो हासिल करनी है, अपने गोल को उसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा लर्नर्स की फ़िज़िकल और मेंटल रेडीनेस भी ज़रूरी होनी चाहिए, यानी कि वो कम्प्लीटली फ़िज़िकल तौर पे वो बीमार नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, या जब भी वो उस चीज़ को सीखने वाला होता है, जब भी वो काम को कर रहा है तो उस टाइम पे वो कम्प्लीटली हर प्रकार की परेशानी से, फियर से, एनजाइटी से दूर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज यूज़ डिसयूज़ और प्रैक्टिस। इसके अंदर ये कहना चाहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को सीखना है तो कम्प्लीटली आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, आपको वो चीज़ को आपको कंटिन्यूसली करना है तो आपको कंटिन्यूसली उस पर रिपीट करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, आपको उसको भूलना नहीं होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल में यहाँ पे समझा रखा है कि जितनी भी चीज़ें आपको क्लासरूम में सिखाते हैं वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, आपको सारे प्रोसीजर, क्लिनिकल प्रोसीजर जो भी हैं वो आपके वो क्लिनिकल सेटिंग में जाकर के ही, जब आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तभी जाकर के आपको वो चीज़ें आती है और आपके ध्यान में वो बनी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके इंजेक्शन। इसके बाद में आपका द लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जितनी भी बातें आप सीखते हो, जब भी आप कोई चीज़ को सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, आपको सेटिस्फाई फील होता है, आपको आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ को पाया है, कोई चीज़ को आपने वर्थ किया है, तो ये फीलिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।